अस्सलामु अलैकुम सामीन, 23 रबीउल अव्वल है, 20 अक्टूबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबर का उनवान है, आरएसएस ने बढ़ती आबादी पर फिर तशवीश जाहिर की है और कहा है कि मजहब की तब्दीली से मुल्क में हिंदू आबादी कम हो रही है। खबर थोड़ी तफसील से सुनिए। संघ के सरकारिया वाह दत्तात्रेय होश बोले ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से हिंदू आबादी कम हो रही है और साथ ही जो हिंदुस्तान के कई हिस्सों में धर्मांतरण मजहबी तब्दीली की साजिश चल रही है उससे भी हिंदू कम हो रहे हैं। सवाल यह है कि ऐसे लोगों को 72 घंटे पहले जो कुछ बगरे में हुआ है वो क्यों नहीं दिखता है। कोई दूसरे मजहब का आदमी हिंदू मजहब इख्तियार करता है तो उसको घर वापसी का नाम दिया जा रहा है और जब हिंदू लोग दूसरा मजहब बदलते हैं तो अब ये तशवीश जाहिर कर रहे हैं। ये दोगली बातें हैं। होश बोले ने यहाँ तक कहा कि आबादी की ऐसी नीति और ऐसा प्लान तैयार होना चाहिए जो सब पर यकसा लागू हो। सवाल यह है कि सरकार आपकी है, आपको रोक कौन रहा है? हम अगर पिछले 20-30 सालों के आदाद शुमार आंकड़े देखें तो ये पता चल जाएगा कि हिंदू आबादी कितनी घट रही है, कितनी बढ़ रही है और दूसरे समाजों की आबादी ख़ास तौर से मुस्लिम आबादी कितनी घटी है और कितनी बढ़ी है और मजहब की तब्दीली को इसमें कितना दखल है। सही बात यह है कि आरएसएस के ये सोशे हैं जो 2024 के मद्देनज़र छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी ऐसे बयान दे चुके हैं। सवाल यह है कि आबादी बेकाबू होने को, आबादी बढ़ने को, आबादी घटने को तब्दीली मजहब से क्या लेना